हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज है संडे, वो छुट्टी वाला दिन है, तो बस ऐसे छुट्टी मना रहे हैं। ओ मम्मी कितनी क्यूट लग रही है। हेलो आप तो बड़े क्यूट लग रहे हो। ये क्या कट रहा है? ये चुकंदर। ये है चुकंदर। चुकंदर चुकंदर में थोड़ा सा ना माइक्रोवेव करके गर्म कर लेती हूँ ना बेटा, ये फिर ना ठंडा भी नहीं लगता और ये मीठा भी हो जाता है। कोई भी फल है जैसे, एक मिनट, मम्मी ने बताया जो चुकंदर होता है, ये जो चुकंदर होता है, अगर आपने इसको, वैसे मुझे पहले से पता है पर अभी मम्मी बता देंगी, ये जो चुकंदर होता है अगर आप इसको माइक्रोवेव कर लेते हो कितनी देर के लिए? चार मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव कर लो। तो मैंने इसको पानी में उबाला, जैसे आलू उबालते है ना, वैसे एक सीटी दिला दो, बस बंद कर दो। एक सीटी में थोड़ा खाने लायक बन जाता है, नहीं तो ज्यादा गल जाएगा। तो फिर उसको छोटा छोटा काट के खा लो। ये हमारे घर में जो है ना, आयरन की मम्मी को थोड़ी डेफिशिएंसी है, तो उसमें आपको पता है चुकंदर बहुत अच्छा होता है, और चुकंदर ना खाने में टेस्टी नहीं लगता है ना, टेस्टी नहीं लगता। तो हमने मीठा भी होता है, गर्म करने से मीठा भी हो जाता थोड़ा सा। लेकिन हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला था, वो सोल्यूशन ये था कि हमने ना इसको माइक्रोवेव करना शुरू कर दिया और ये इतना सॉफ्ट और इतना मीठा हो जाता है कि आपको खाके ना मजा आ जाता है। और ये एक और काम करता है, वैसे तो मैं छोटी से लगा रखी है पर मेरे को देखा, ये लिपस्टिक का भी काम कर लेता है। हमारी मम्मी जो है ना बहुत सुपर टैलेंटेड है, हर चीज में शी इज एक्सपर्ट। मतलब मैं इनके जैसे कब बनूंगी पता नहीं, बन भी पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, बट ये हर चीज में बहुत एक्सपर्ट है। और ये कितनी क्यूट लग रही है गाइस, देखो ऐसे लग रहा है बाहर ना बर्फ पड़ रही है। दो राउंड लगा के आई है बाहर के, तो आप ही देख सकते हैं हमारे घर में फ्रूट पार्टी हो रही है, जिसमें चुकंदर है, कीनू है, अमरूद है, और अब शायद ये केला भी कटने वाला है। आज मैंने घर में राजमा, और हम ढूंढने जा रहे हैं चावल, और हमारी जो घर में एक हेल्पर है उसने कहा मुझे दीदी वीडियो में मत लेना। अब क्यों नहीं लेना हमको नहीं पता, पर चलो उसे मना किया तो हम नहीं ले रहे, तो हम उसका सिर्फ हाथ ले रहे हैं, उनका चेहरा नहीं लेंगे। तो ये डल रहे हैं यहाँ पे चावल, डाल दो ना जाए, इसे पता चलेगा तुम कितनी एक्सपोर्ट हो। डालो शर्मा रही है। उसने सोचा कि यार ऐसे तो गिर रहे हैं वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, तो सीधा बेचारी ने जो है अभी तुम्हें एक्सपोर्ट होने की बहुत जरूरत है। हम डालते तो एक भी नहीं गिरता। चल मैं डाल के दिखाती हूँ, तू इसको पकड़ इधर से पकड़ इसको। थोड़ा सा ऊपर दीदी, तो ऐसे रखना ठीक है। अभी चैलेंज चल रहा है कि ये चावल गिरते नहीं गिरते। आइए जरा क्लोजअप में देखो, मेरे से एक भी नहीं गिरा। एक दाना भी नहीं गिरेगा। कुछ लगा है ये देखिएगा इसे, हाथ रख मम्मी ने। हाँ वो तो हमें पता ही था, एक दाना गिर जा नहीं गिरा कोई भी, ठीक है। तो एक भी दाना नहीं गिरा और ये वाला राउंड मम्मी जीत चुकी है। हमने थोड़े थोड़े दाने चावल के गिराए हैं, देखिए छोटे से चावल के दाने गिराए हैं, मगर मम्मी ने एक भी दाना नहीं गिराया है, तो मम्मी इस राउंड को जीत चुकी है। मम्मी जिंदगी के हर राउंड जीत चुकी है, और मैं मम्मी जैसी कब बनूंगी, बन पाऊंगी कि नहीं, तो मेरी बेटी है ना बन जाए। मेरा इंटरेस्ट ना एक्चुअली घर के कामों में कम और व्लॉगिंग और वीडियो बनाने में ज्यादा है, क्योंकि मैं शुरू से ही मीडिया पर्सन हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मैं स्कूल में ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, उसके बाद में मैं बड़ी हुई कॉलेज में आई, हाइट मेरी कम है 5'2" है, फिर भी मैं मॉडलिंग में उतर गई थी। वो लोकल जो शोज होते थे ना, मैं उनमें रैंप वॉक करती थी, पतली होती थी उस समय मैं। फिर मुझे एयर होस्टेस का बनने का शौक चढ़ा कि मैं ना एयर होस्टेस बनूंगी, लेकिन एयर होस्टेस के लिए मैं गई और इंडिगो एयरलाइंस में गई थी। तो इंडिगो एयरलाइंस की जो हाइट की रिक्वायरमेंट थी ना, मेरी हाइट उससे ना 1 mm कम थी, सिर्फ 1 mm। मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो गए थे, मगर 1 mm हाइट कम होने के कारण उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मुझे कहा आप ग्राउंड स्टाफ में आ जाओ, पर ग्राउंड स्टाफ की सैलरी काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू एयर होस्टेस सैलरी। तो जब मैंने वो एयर होस्टेस के लिए फोटोग्राफ्स क्लिक करवाई थी ना, आपको पता ही होगा जो लोग एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करते हैं उनको पहले एक अच्छे से फोटोग्राफ्स खिंचवाने पड़ते हैं, प्रोफेशनल ड्रेस में, मतलब एक जो ऑफिशियल ड्रेस होता है उसमें खिंचवाना पड़ता है, और फिर वो फोटो के बेस पर सिलेक्ट करके आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं।
फर्स्ट राउंड में आई थिंक, उस समय तो मैंने फोटो दी थी, अभी क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता। तो मेरे को उन्होंने बुलाया था मगर 1 mm, सिर्फ 1 mm हाइट कम होने के कारण दे रिजेक्टेड मी, और ग्राउंड स्टाफ में मुझे जॉब करनी नहीं थी। तो वो जो फोटोज थी ना, मैंने उस समय पर बालाजी की एक वेबसाइट होती थी, अब मुझे पता नहीं वो एक्चुअली में बालाजी की वेबसाइट होती थी या वो फेक किसी ने बना रखी थी, मुझे नहीं पता। वहाँ पे कास्टिंग होती थी मूवीज की, तो मैंने वो ना फोटोग्राफ्स ना वहाँ पे अपलोड कर दिए, ठीक है। और वो फोटोग्राफ जब मैंने अपलोड करे ना गाइस, वहाँ से मुझे ना एक मूवी का ऑफर आया, तेलुगु मूवी का ऑफर आया, और श्रद्धा आर्या जो एक वेल नोन टीवी एक्ट्रेस हैं, शी इज़ अ साउथ फिल्म एक्ट्रेस ऑल्सो, काफ़ी फेमस वो साउथ फिल्म एक्ट्रेस रही हैं। उसके बाद में अभी वो एकता कपूर का एक सीरियल कर रही है, टॉप जो सीरियल है, नाम भूल गया सॉरी मुझे उसका, मैं सीरियल देखती नहीं हूँ। तो वो एकता, तो वो श्रद्धा आर्या के साथ में मुझे ब्रेक मिला था पहला, तो मैं सेकेंड लीड में थी, वो फर्स्ट लीड में थी उस मूवी के अंदर, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया वहाँ भी मेरा, और वो मूवी कभी रिलीज़ ही नहीं हुई। तो श्रद्धा आर्या जो है उनके साथ मुझको पहला ब्रेक मिला और मूवी रिलीज़ नहीं हुई, मगर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और जो उस मूवी के डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे अपनी नेक्स्ट मूवी में कास्ट किया था। और वहाँ से फिर मुझे एक तमिल फिल्म का ऑफर आया जिसमें मेरे साथ जॉनी लीवर जी थे, और जब मैं वहाँ गई और जो उनका इतनी अच्छी बात बताते हुए टाइम अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि ये टन डिस्टर्ब कर रही है। तो जब मैं गई और मैंने शूटिंग करी उनके साथ में, तो जॉनी लीवर जी इतने हम्बल इंसान हैं, इतने हम्बल इंसान हैं, आप बिलीव करेंगे। मेरे को एयरपोर्ट से जब गाड़ी ने पिक करा और मैं ऑन द वे थी, मुझे सेट पे पहुंचना था जहाँ पे मैंने, अरे यार एक मिनट मैं कुछ बोल रही हूँ, धीरे बोलो, ये शोर बहुत मचाते हैं घर वाले। कहा अपने रूम में जाऊँ क्या, बहुत गंदा सा हो रहा है, कहाँ जाऊँ मैं, मम्मी के रूम में जाती हूँ, कॉपरेट काइंडली कॉपरेट। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है मगर घर की बातें, लाइटें चलाते हैं और आपको यहाँ पे वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज मैं ये बता रही थी कि जब मैं मैंने जॉनी लीवर जी के साथ में एक मूवी की थी, और जब मैं एयरपोर्ट से टूवर्ड्स लोकेशन पे जा रही थी जहाँ शूट होना था, उसी के पास में हमारा होटल भी था, मुझे सीधा शूट लोकेशन पे पहुँचना था जो मुझे बताया गया था। तो जो ड्राइवर थे ना जो मुझे लेने आए थे, वो तमिल बात कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी उनको इंग्लिश आती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जॉनी लीवर जी हैं, क्योंकि बाकी एक्टर्स को तब तक मैं नहीं जानती थी, नाम से इतना नहीं पता था मुझे कि, और तमिल मूवीज़ में देखती नहीं थी, और लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला उसमें सुमित पाठक है। सुमित पाठक कौन है? बाजीगर मूवी देखी है? बाजीगर मूवी में शाहरुख खान के बचपन का रोल जिन्होंने किया था, या हीरो करके एक डिज्नी पर एक बच्चों का, जैसे शक्तिमान आता था ना, ऐसे हीरो करके एक सीरियल आता था बच्चों का जिसमें वो हीरो में वो सुपर पावर्स होती हैं, सुमित पाठक। और भी कई मूवीज़ में टार्ज़न द वंडर कार, उसके अंदर भी वो थे, मतलब वेल नोन फेस है। मेरे को उनकी मूवीज़ अभी याद नहीं आ रही। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा, क्योंकि सुमित पाठक वहाँ है, नीतू पी चौधरी जो एक डिवाइन पावर है जिनके अंदर, और वो क्रिश्चियन धर्म की हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, और वो इतना ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते होंगे, जो क्रिश्चियन लोग मेरे क्रिश्चियन दोस्त मेरे देख रहे हैं उनको पता होगा नीतू कौन है। तो मैं जब वहाँ सेट पे पहुँची तो मैं ना नीतू को पर्सनली जानती थी, ना मैं सुमित जी को पर्सनली जानती थी, मगर ये क्या है यार, अब इन्होंने कुकर की सीटी बजानी शुरू कर दी, सॉरी अगर डिस्टर्बेंस आ रही है। तो जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने देखा कि जो जॉनी लीवर जी हैं ना, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, ना सॉरी मैंने ड्राइवर से पूछा कि जॉनी लीवर हैं, तो उसने बोला मतलब जो भी उन्होंने अपनी भाषा में बोला, यस मैडम सर इज़ देयर। और मैं एक्साइटेड, 1 घंटे का रास्ता था एयरपोर्ट से जिस जगह मुझे पहुंचना था, और मैं 1 घंटा में सोच रही थी कि पता नहीं वो कैसे नेचर के होंगे, पता नहीं वो अच्छे से बात करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं कैसा होगा एटीट्यूड होता होगा इन लोगों में, क्योंकि तब हम, मैं तो मतलब कुछ भी नहीं थी, अभी भी कुछ नहीं हूँ, मगर तब तो कुछ भी नहीं थी। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला वो सामने ही खड़े थे, उन्होंने कहा आ गई मोटी तू, और मैं ऐसे हो गई, ये किसको बोल रहे हैं, मैंने यूँ देखने लग गई, क्योंकि मैं सोच नहीं सकती थी वो मेरा इतना हम्बल वेलकम करेंगे, और उनको क्या ज़रूरत है मेरा वेलकम करने की। उन्होंने कहा हम सब तेरे चक्कर में ना लंच की वेट कर रहे थे, लंच टाइम हो गया है और हम तेरी वेट कर रहे थे कि तू ऑन द वे है, तू भी आ जा फिर साथ में खाना खाएंगे। और मैंने ऐसे शिवर करने लग गई, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिनको मैं बचपन से टीवी पे देखती, मूवीज़ में देखती आ रही हूँ, वो मुझे कह रहे हम तेरी वेट कर रहे थे कि तू कब आएगी और हम लंच करेंगे। तो जो मेरी मूवी के प्रोड्यूसर थे जिम संजय भैया, जिम संजय जी,
सर अभी मैं उनको भैया बुलाती हूँ, पहले मैं उनको सर बुलाती थी। तो नाइसेस्ट मैन एवर आई हैव मेट। बहुत अच्छी सोशल कॉज पे, नोबल कॉज पे मूवीज बनाते हैं वो। तो उन्होंने शायद उनको बोला होगा कि एक आर्टिस्ट है जो आ रही है, तो थोड़ा उसका इंतज़ार कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं गई वहाँ, हमने खाना खाना शुरू करा और जॉनी लीवर जी बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं, और मेरे तो मुँह से खाने ही नहीं जा रहा था, और मैंने उन्हीं को देखे जा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके देख रही थी। कह रहे खाना मोटी, और मैं पतली सी थी, कहते खाना मोटी खा क्यों नहीं रही है। मैं कहा सर आप कितने नाइस हो। तो मतलब वहाँ उनके साथ मैं ऑलमोस्ट हम लोग जिस रिजॉर्ट में रुके थे, तो उस रिजॉर्ट पौंडेचेरी साइड पे शूट हुआ था, तो जिस रिजॉर्ट पे हम रुके थे ना, तो शूट का लोकेशन भी वहीं था, थोड़ा सा पास में ही, और रिजॉर्ट भी वहीं पास में था। तो मान लो मेरा सीन है नहीं है, लेकिन मैं शूटिंग सेट पे पहुंच जाती थी, या कभी हमारा शूट चल रहा है तो वो अपने रूम पे ही होते थे, लेकिन रात को खाना डिनर लंच ये सब चीज़ें तो साथ ही होती थी। तो ना यू नो इतने स्वीट इंसान हैं वो, इतने प्यारे इंसान हैं। उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं कोई एकदम मामूली सी लड़की हूँ। और मतलब ऐसे कई लाखों लोग उनके साथ काम करते होंगे जो एक ही बार काम करते फिर लाइफ में कभी मिलते भी नहीं होंगे, उनको याद भी नहीं रहता होगा इतने लोगों से, लेकिन वो जितने प्यार से मुझसे मिले। और पता है वहाँ पे ना हम पार्ले जी के बिस्किट्स खाते थे, तो मेरे पास ना क्योंकि कुछ तो साउथ इंडियन फूड डेली नहीं खाया जाता, वैसे तो हमारे को वहाँ पे प्रॉपर जो हम लोग खाते हैं, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो परांठे वरांठे या जो भी हम सब्जियाँ वगैरह रोटी वगैरह खाते हैं, वहाँ पर रोटियाँ नहीं बनती। आपको पता होगा कि चेन्नई साइड पर जो है चपाती मुश्किल से मिलती है, लोग नहीं खाते, चावल खाते हैं ज़्यादातर, चपाती के नाम पर ब्रेड होती है या जो, चपाती नहीं मिलती थी। तो मेरा चपाती खाने का बड़ा मन करता था, मुझे अच्छे से याद है। तो हमारे लिए, खैर हमारे लिए चीज़ें अरेंज थी, सब हमारे लिए तो सब कुछ अवेलेबल था। तो मेरे पास ना वो उसके पैकेट्स होते थे पार्ले जी के, क्योंकि वहाँ पार्ले जी ही मिल रहा होता था। आसपास जो लोकेशन थी थोड़ी ऐसी लोकेशन पे शूट था कि आसपास कुछ था नहीं, पर एक शॉप थी जहाँ पार्ले जी के बिस्किट्स मिल गए थे। तो जैसे ही मैं एक बार सेट पे पहुंची और मेरे हाथ में ना 2-3 पार्ले जी के छोटे वाले पैकेट्स थे, तो उन्होंने मेरे से खींच लिया, कहते हैं कि अबे मोटी अकेले खा जाएगी, हमें भी दे। और वो पता है इतने स्वीट। एक बार उनको भूख लग रही थी, उनका शॉट चल रहा था और हम खाना खा रहे थे, सारे हम लोग बैठे हुए थे, और वो आए और हमारे ही प्लेट में से उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसे 2 बाइट्स उनको लेनी थी क्योंकि उनका शॉट चल रहा था। मतलब यार इतनी प्यारी फीलिंग थी ना वो। शाम को वहाँ पे बीच पर, हमारा जो रिजॉर्ट था बीच पे ही था, तो बीच पे हम लोग शाम को सारे वॉक करते थे, और मैं ना उनसे ना पूछती रहती थी, सर रानी मुखर्जी की हाइट कितनी है, क्योंकि मैं ना हाइट कॉन्शियस थी, सर उनकी हाइट कितनी है। तो मुझे हमेशा बोलते थे अरे यार तुम अपनी जगह अच्छे हो, और वो इतना इनकरेजिंग थे। वो कहते थे आप दूसरों को देख के वो मत सोचो कि मैं कैसी हूँ मैं कैसी नहीं हूँ, आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में, जितने बड़े आप बन जाओ, लेकिन अगर आप हम्बल हो, आप नाइस हो। मैं बुढ़ापे तक वो 10 दिन याद रखूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, एक बेटी के जैसे प्यार दिया, इतनी बातें समझाई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, इतनी चीज़ें एक्टिंग के बारे में समझाई। एक सीन था जिसमें मैं थोड़ा घबरा रही थी, उन्होंने मुझे उसको बोला कि अरे ऐसे थे कॉन्शियस हो गए तो कैसे करोगे। तो मतलब ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, आई लव यू सो मच जॉनी जी, यू आर सच अ स्वीट पर्सन। तो मैं मीडिया का कीड़ा था मेरे अंदर, और उसके बाद मैंने कुछ और मूवीज़ भी की थी, मगर थोड़ी किस्मत मेरी वीक रही कि सारी सब रिलीज़ नहीं हुई। ये तो रिलीज़ हुई थी जो मैं आपको तमिल फिल्म बता रही हूँ, बाद में इसका नाम ये हिंदी में भी डब हुई थी, ये 2-3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी डब हुई थी, और इसको एक अवार्ड भी मिला था। मूवी का नाम था बनी है तू मेरे लिए, हिंदी वर्जन ये था बनी है तू मेरे लिए, और तमिल वर्जन था अनबिरकू अल्लवलई। आई एम सॉरी अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भूल गई हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं। अनबिरकू अल्लवलई है। आपको अगर वो मूवी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी हिंदी वाली का, तो आप देख सकते हैं। तो मज़ा आया था उनके साथ काम करके। उसके बाद मैंने कुछ सीरियल्स किए, कुछ एड्स करी, और साउथ में भी एक आधी मूवी और करी थी ओवरऑल। फिर मैंने हिंदी मूवीज़ भी एक दो की हैं, छोटे छोटे से रोल्स किए हैं उनमें, लेकिन मैं उसमें बहन जी लग रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बताती नहीं वो कौन कौन सी मूवीज़ हैं। अभी वेन ओबामा लव टू सामा मूवी आई थी, उसमें भी मेरा एक छोटा सा रोल था। बाकी टीवी सीरीज किए हैं मैंने, कॉर्पोरेट फिल्म्स बहुत की हैं, मारुति के लिए, होंडई के लिए, होंडा के लिए, नोकिया के लिए, कई ऐसे मैंने ब्रांड्स के लिए जो है कॉर्पोरेट फिल्म जो होती है ना वो की हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरा बेटा हो गया, और मेरा कनेक्शन मीडिया के साथ कुछ हद तक टूट गया, क्योंकि बेटे के बाद में ना मैं चेन्नई जा सकती थी, ना मैं मुंबई जा सकती थी, फिर मैं दिल्ली में ही रह गई, NCR में ही रह गई। लेकिन वो जो मीडिया का कीड़ा था ना, वो मुझे काटता रहता था कि कुछ तो कर, कुछ तो कर।
फिर जो है ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और मेरा छोटा सा एक अपना प्रोडक्शन हाउस भी है और सब इक्विपमेंट्स है, कोई सीरियल बनाना पड़े सब कुछ, तो हमारे पास अपना सब कुछ है। तो मेरा कुछ ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, ये कोविड आ गया बीच में, गुस्सा आता है इतना। अभी हमने फ्लाई करना थोड़ा सा शुरू किया था और ये बीच में आ गया कोविड, बीमार कर दिया सबको और शूटिंग्स तितर बितर हो गई, क्योंकि डर लगा रहता था, सबके घर में छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं ओल्ड, तो उस डर के कारण हमने शूटिंग्स ही रोक दी। फिर मैंने ब्लॉग चैनल खोला कि चलो घर बैठ के ब्लॉग तो बना ही सकती हूँ। तो कॉमेडी चैनल मेरा बहुत फनी है, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, फैमिली कंटेंट है और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप उसको देख के ना बोर नहीं होंगे, आपको 100% हंसी आएगी और आपको डेफिनेटली वो चैनल पसंद आएगा। जिन्होंने चेकआउट नहीं किया है, लिंक ये रहा, लिंक नहीं नाम ये रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको चेकआउट कीजिएगा। तो इसलिए जो ना घर के कामों में उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ना एडिटिंग, क्या नया बनाऊँ, कौन सी नई स्क्रिप्ट लिखूँ, कैसे एडिट करूँगी, इसमें ज़्यादा चलता है। और डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया का ही काम है मेरा, तो मैं अपने काम में ही ज़्यादा मशरूफ़ रहती हूँ। और किचन की सब्जियों में थोड़ा मेरा ध्यान कम है, तो पहले तो मम्मी नाराज़ होती थी, मगर अब मम्मी देखती है कि इसके सपने बड़े हैं या ये कुछ और करना चाहती है, तो मम्मी बेचारी बहुत कोऑपरेट करती है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं बनाती, मैं बहुत स्वाद खाना बनाती हूँ और मैं अक्सर बनाती हूँ, मगर हाँ मैं उतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ किचन में। मेरी सासू माँ भी बड़ी प्यारी है, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, मेरी मम्मी भी अंडरस्टैंड करती है, तो मेरी दोनों फैमिलीज़ बहुत लवली हैं। तो वापस जा कर देखते हैं क्या हो रहा अभी, ठीक है? मैंने तो अपनी कहानी सुना दी लंबी सी, अब जाके देखते हैं घर में क्या हो रहा है। चावल अभी भिगो दिए हैं, ठीक है, चावल भिगो दिए हैं, मुझे ही चावल बनाने हैं, मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। मैं चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मुझे कई लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा घर गंदा लग रहा है, सो जाती हूँ। हाँ तो कई लोग बोलते हैं, तो नज़र नहीं आ, डोंट वरी, कई लोग बोलते हैं कि हमसे ना चाय अच्छी नहीं बनती, पर ना मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, ब्लेस्ड हूँ मैं। तो मैं चाय कैसे बनाती हूँ ना, मैं आपको वो बना के दिखाऊंगी इसी व्लॉग में, तो आप भी वैसे ट्राई करना, मस्त चाय बनेगी। मैं कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो ये जो चीज़ें जो है ना, मैं कवर अप नहीं कर रही कि मैं खाना नहीं बनाती और मैं चाय कॉफ़ी अच्छी बनाती हूँ, मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ बट कम बनाती हूँ, और चाय कॉफ़ी मैं बनाती रहती हूँ, तो मैं आपको चाय कॉफ़ी बना के दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मुझे बनाने हैं उबले हुए चावल, अयान मेरे ही हाथ के चावल पसंद करता है, तो अब मैं किचन में जा रही हूँ। और जो है हमारे घर में राजमा बने हैं, तो राजमा के साथ चलते हैं राइस, तो मैं राइस बना देती हूँ, ठीक है। ये मेरे उबले हुए चावल बन रहे हैं, अभी भी रखे हैं, लगेंगे इनको 15 मिनट। ऐसे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, जब बन जाएंगे तब दिखाऊंगी। तो देख लो मैं कितना काम करती हूँ, ऐसे ही मैं बदनाम हुई पड़ी हूँ, है ना मम्मी? नहीं, ये तो तुमने बनाया ना न्यूट्री मटर। क्या क्या कह रहे थे, न्यूट्री मटर मैंने बनाया? मैंने बनाया सारा कुछ, तो मैं ही बनाती हूँ। आप तो आराम करो, न्यूट्री मटर से बनाया तुमने, चूटी मार रही है कि चल मेरी बेटी बदनाम ना हो। मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया। मम्मी को भी तो कीड़ा है ना खाना बनाने का, जैसे मुझे मीडिया का कीड़ा है ना, मुझे पसंद नहीं आता किसी का खाना। मेरी मम्मी को भी कीड़ा है कि ना खुद ही बनाना है, खुद ही बनाना, कितनी भी हेल्पर्स हो ना घर पे, सब्जी कटवा लेंगी, टमाटर प्याज कटवा लेंगी, मगर जब सब्जी बनाने का टाइम आएगा ना, तो मम्मी कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में सब्जियां है छाया। फिर सब्जी जो है ना इनको ही बनानी है, क्योंकि इनको लगता है कि इनसे अच्छी सब्जी कोई बना नहीं सकता। लेकिन अब मैं भी बनाती हूँ, ये बात नहीं, मुझे लगता है पता नहीं सफाई का ध्यान कोई रखे ना रखे, मैं जैसे अपनी तरफ से अच्छी ना सिर्फ मैं अच्छी बनाती हूँ, मगर आप मुझे मौका नहीं देते। अगर तू बनाने लग जाए तो मेरे से बहुत आगे निकल जाएगी बेटा, सच के। मैं सब्जियां बना बना के कहाँ जा रहा हूँ, जो भी काम करती है सब्जी मंडी, जो भी काम करती है परफेक्ट करती है। एक बात आओ, सब्जियां बना बना के मुझे सब्जी मंडी भेजो, सब्जी मंडी को आखिर तो बहुत आगे निकल जाएगी, पेट में जाता है। एक जोक था देख, पेट से रास्ता निकलता है। एक जोक था कि तो इतना आगे जाएगी, इतना आगे जाएगी ना कि जब तू जाएगी आगे लोग कहेंगे चल चल आगे चल। तो मम्मी कह रही तू बहुत आगे जाएगी, तो मैं अपने सिंपल चावल में खुश हूँ, बॉईल किए हुए। मेरे बेटे को एक्चुअली पसंद है, जीरे वाले चावल भी बनते हैं और पुलाव भी बनता है, बट अगर राजमा जैसी चीज बनी हो तो मेरे बेटे को ना प्लेन राइस अच्छा लगता है। और राइस बनाने के बाद में, खाना खाने के बाद में मैं चाय बनाऊंगी। इस व्लॉग में नहीं डाला तो नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी, मुझे लग रहा लंबा हो गया व्लॉग, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर ये व्लॉग लंबा हुआ तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में चाय स्पेशल, बढ़िया चाय गारंटेड, आप लोग लाइक करोगे कि क्या चाय का ट्रिक बताया। ट्रिक तो कुछ नहीं है, मगर पता नहीं शायद
क्वांटिटी कितनी क्या डालनी है उस हिसाब से चाय का टेस्ट अच्छा आ जाता है। कुछ कम रह जाए ना तो चाय तो पानी लगता है, वो गर्म पानी लगता है या ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ज़्यादा दूध वाली हो जाती है। तो राइट क्वांटिटी में चाय कैसे बनाते हैं वो मैं आपको उसकी क्लासेस दूंगी, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो देखें, ना चाहें तो ना देखें, ठीक है। और मम्मी जो है वो मुझे देखकर बार बार ऐसा लग रहा है जैसे बार बर्फ पड़ रही है। कैसा है ये? मैंने मम्मी को ये मंगवा के दिया, इनको ठंड बहुत लगती है और ये अपना गंदा सा लाल सा स्कार्फ भी छोड़ती थी। पहन के सोई? हाँ पहन पाए थे, पहन के सो रही थी। मम्मी ने गंदा सा लाल स्कार्फ, नींद आई, मेरे सिर में बहुत ठंड लगती है। हाँ तो फिर मैंने ना इनको ये मंगवा के दिया, पहले मना कर रही थी कि पैसे वेस्ट करती रहती है, फिर जब से आया ना उसको छोड़ ही नहीं रही है। अभी से पहन के रखेंगी। अब अक्सर सर्दियों में व्लॉग्स में मम्मी आपको ऐसी नजर आएंगी। मुझे सरवर में ठंड नहीं लगती, मुझे बाजू में ठंड लगती है सिर्फ, और मुझे ठंड नहीं लगती। इसको पहन के दो चक्कर लगा एक बार, नहीं तो मैं बाहर निकलती नहीं हूं। जो लोग चक्कर नहीं लगा पा रहे हैं, बाहर राउंड नहीं लगाने जा पा रहे हैं, वो ऐसी टोपी ऑर्डर कर दे। वो कहाँ से मिली है, कितने की मिली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। अमेजोन से ली थी मैंने, काफी गर्म है और पूरी गले तक है और पूरा कवर कर देती है आपके हेड को, और क्यूट सी भी है। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, देख लो। तो ऊपर कोट आ गया था मेरा। हाँ मतलब काफी क्यूट सी ये है और क्यूट लोग और क्यूट लगेंगे। तो अगर आपने खरीदनी हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख के खरीद लेना अगर खरीदनी हो तो, ठीक है। मार्केटिंग भी मैं अच्छी कर लेती हूँ। बूढ़ी माँ को क्यूट बना दी। नहीं क्यूट है माँ तो, सबसे ज्यादा दुनिया में माँ सबसे ज्यादा क्यूट होती है, बता आपको। देखो भगवान को तो हमने नहीं देखा ना, देखा भगवान को आपने? सचमुच देखा है, मूर्तियां देखी है ना, साक्षात भगवान को देखा है? नहीं देखा। ये देखो साक्षात भगवान अपनी माँ होती है, अपने पापा होते हैं, ये साक्षात भगवान होते हैं। माँ बाप जो होते हैं ना उनको भगवान का दर्जा देना चाहिए। नहीं शाबाश नहीं, ये सब सबके लिए मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमने जब हमें कोई तकलीफ होती है, जब हमें कोई दुख होता है, जब हमें पैसों की जरूरत होती है, जब हमारे को मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन हमारा टेक केयर करता है? भगवान तो ऊपर से नहीं आता ना, यही मम्मी होती है जो खाना बना बना के देती है, यही मम्मी होती है जो आपका सारा टेक केयर करती है, वही पापा होते हैं जो आपके सारे फाइनेंशियल खर्चे और आपकी हर चीज की, आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आपके भगवान तो आपके मम्मी पापा हुए ना, हुए ना, तो मम्मी पापा को भगवान मानो, भगवान जी भी खुश हो जाएंगे। तो मैंने मोटिवेशनल भी बोल दिया, मैंने स्पिरिचुअल भी बोल दिया, मैंने अपनी मूवी की स्टोरीज भी सुना दी, और आज का व्लॉग चाय ऐड करनी है, देखती हूँ वीडियो की लेंथ हुआ तो इससे छोटा हुआ तो इसमें डाल दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग नहीं, 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 कॉफी का अलग से बना जाए, हमारे को कंटेंट मिल जाएगा ना, मतलब एक और वीडियो का, आप समझ रहे हो, एक ही वीडियो में सब दिखा देंगे तो फिर आगे वाली वीडियो में क्या दिखाएंगे, रोज रोज सोचना बड़ा मुश्किल होता है कल क्या बनाए। तो ठीक है मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, चाय कॉफी का नेक्स्ट व्लॉग बना दूंगी। तो चलिए ये व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।